तो बच्चों क्लियर दिख रहा है? यस क्लियर दिख रहा है। तो बच्चा लोग कैसे हो आप लोग? आज हमारा टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी, चैप्टर नंबर 13 का मेरा टॉपिक है आज का रेडियो एक्टिविटी। एक्टिविटी सबको पता है, एक्टिविटी यानी 1 2 3 4, दिस इज कॉल्ड एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या है? दूर से किसी माइक में बोला जाए, रेडियो में अनाउंस किया जाए और तब आप एक्टिविटी करो, तो उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। ये था बच्चों एक्सप्लेनेशन। जो बच्चा पढ़ता नहीं वो ऐसे एक्सप्लेन करता है रेडियो एक्टिविटी को। ऐसा हमने पेपर में चेक करते हैं ना, तब मिलता है कई बार ऐसा ऐसा एक्सप्लेनेशन होता है रेडियो एक्टिविटी। चलो तो हम लोग इसको बढ़िया से समझेंगे। तो आज हम क्या 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 समझेंगे, तो कि रेडियो एक्टिव कहां से आया, कैसे आया, किसने रिसर्च किया और इसमें होता क्या है। दूसरी बात हम जानेंगे बच्चों के डीके का एक रूल होता है। डीके का मतलब क्या होता है, यानी एमिशन का जो अल्फा बीटा और गामा जो एमिट हो रहे हैं उसका एक रूल होता है, एक्सपोनेंशियल लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, उसका बात करेंगे। बस यहां तक पहुंच पाएंगे शायद। चलो तो स्टार्ट करते हैं और आगे चलेंगे तो बढ़िया बढ़िया और भी देखेंगे। बट दिस इज मोस्ट आईएमपी टॉपिक। तो बच्चों देखो रेडियो एक्टिविटी कैसे आई, कैसे पता चला कि रेडियो एक्टिविटी होती है और ऐसे होती है। तो बच्चों कई बार क्या होता है, हम सम सॉल्व करते हैं, कोई डिफिकल्ट सम हो हम लोग सॉल्व करने लगते हैं और कई बार आंसर आ जाता है। तो जिसने आपसे पूछा उसका नहीं आया पर आपका आ गया, तो उसको लगेगा आपको कितना बढ़िया आता है। पर कई बार आपको ही ऐसा डाउट होता है कि यार मैंने कैसे किया, मैंने कंसेप्ट लगा तो दिया पर क्या सही था। हाँ ऐसा होता है, कई बार हो जाता है कि ये ऐसा ही किसके साथ हुआ, बैकवेरर। अभी स्पेलिंग मिस्टेक माफ कर देना, इसको हम BQ बोलेंगे, बैकवेरर। दिस इज द वन टाइप ऑफ यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। बट बैकवेरल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि भाई उन्होंने लगभग 1896 में रेडियो एक्टिविटी ढूंढी। पर कैसे ढूंढी, तो कि अचानक से एक एक्सीडेंट जैसा हो गया, अचानक से आ गया। जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया कि भाई ये क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है, बच्चों देखो इसमें कुछ गलती है ढूंढो, पर आपने कोई इक्वेशन लगाया और आंसर आ गया, ऐसी बात हो गई, अचानक से आंसर आ गया। सिमिलरली इसमें हुआ, इनके साथ हुआ, वो हम लोग अभी समझते हैं किस तरह से हुआ। देखो उन्होंने क्या किया कि यूरेनियम लिया एंड पोटेशियम सल्फेट, इनके ऊपर कुछ लाइट इंसिडेंट की। उसको इंसिडेंट करने के बाद, लाइट इंसिडेंट की यानी इसने एब्जॉर्ब कर ली, और उसको इंसिडेंट करने के बाद पोटेशियम सल्फेट और यूरेनियम को एक ब्लैक पेपर में बंद किया गया। ब्लैक पेपर, ब्लैक पैंथर नहीं, ब्लैक पेपर। और उसके बाद सिल्वर के कुछ टुकड़े रखे, ठीक है, उसके अंदर उसको पैक करके रख दिया, कभी देखेंगे सुबह कुछ करना है, कुछ एक्सपेरिमेंट, ऐसा रख दिया। बट उन्होंने जब ये रखा कबर्ट वगैरह में रखा, तो उसके साइड में कहीं पे फोटोग्राफिक प्लेट पड़ी हुई थी और उन्होंने रात भर उसको अंदर रखा, यानी उनको पता नहीं कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट करा हूं। ऐसे नॉर्मली इन्होंने इस पे कुछ एनर्जी इंसिडेंट की, जो लाइट एनर्जी आप बोल दो,
और इनको ब्लैक पेपर में, क्योंकि यूरेनियम थोड़ा सा जल्दी से पोटेशियम सल्फेट इनमें कुछ ऐसी प्रोसेस हो रही थी, तो वो कहते थे इनको इसको बचा के रखते हैं अच्छे से, ये जल्द अगर खुला रखता हूँ तो ये जल्दी से खत्म हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो इनको बचाने के लिए उन्होंने ब्लैक पेपर और सिल्वर रख दिया आसपास। ठीक है, तो फोटोग्राफिक प्लेट भी उस कबर्ड के अंदर पड़ी थी। तो सुबह जब उन्होंने देखा तो ये थोड़ी थोड़ी ब्लैक हो गई, तब उन्हें पता चला कि भाई ये ब्लैक होने का रीजन क्या है, तो कि यूरेनियम एंड पोटेशियम सल्फेट ये ब्लैक होने का रीजन है। क्यों? क्योंकि रात भर इन्होंने अनस्टेबल सिचुएशन में से स्टेबल में आने के लिए एनर्जी एमिट की, ये रेडिएशन निकाला इन्होंने, और ये रेडिएशन ब्लैक पेपर और सिल्वर को पेनेट्रेट करके निकल रहा, इतना पावरफुल था। हाँ कि ना? ना ही इनको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी दी गई, ये खुद से ही ऐसा करने लगे। तो इस प्रोसेस को उन्होंने क्या बोला? रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी। और आपको पता है यूरेनियम को रेडियो एक्टिव एलिमेंट हम बोलते हैं, क्यों बोलते हैं समझ में आया? तो इस एक्सपेरिमेंट से जो बाई चांस हो गया, इंसिडेंट से हो गया, एक्सीडेंट से हो गया, उससे उन्होंने कहा कि भाई जो अनस्टेबल एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर कुछ एनर्जी होती है, वो विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी वो रेडिएशन करते हैं, और वो रेडिएशन करने का जो तरीका है उसका बाद में आगे डेफिनेशन बनती गई, और इसको बोला गया रेडियो एक्टिविटी। क्या बच्चों पता चला कैसे रेडियो एक्टिविटी पिक्चर में आई? हाँ के ना बताओ, मैसेज करो फास्ट। हाँ के ना, समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे बैक्वेरल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे रिलेटेड टू द लाइट, फॉस्फोरसेंस एंड फ्लोरोसेंस जैसे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो वो यूरेनियम और पोटेंशियल सल्फेट पे उसने उन्होंने एनर्जी अप्लाई की और ऐसे प्रोसेस करके रख दिया, तो सुबह इनको ऐसे देखने को मिला, तो उससे रेडियो एक्टिविटी पिक्चर में। फ्लोरोसेंस का मतलब यानी भाई किसी ऑब्जेक्ट पे आप लाइट इंसिडेंट करवाते हो और वो उसको एब्जॉर्ब करके फिर उसको एमिट करता है, पर थोड़े समय के लिए एमिट करता है तो फ्लोरोसेंस, और ज्यादा समय के लिए एमिट करता है तो वो फॉस्फोरेसेंस, ऐसा कुछ समझ में आया कि नहीं? फॉस्फोरेसेंस और फ्लोरोसेंस। ठीक है, ये दो प्रोसेस का जो स्टडी कर रहे थे बैकवेरल, उस स्टडी में उनका ये इंसिडेंट बना और उन्होंने क्या ढूंढ ली? रेडियो एक्टिविटी। फिर उन्होंने देखा कि जो एमिशन हो रहा है उस एमिशन में क्या क्या एमिट होता है, तो तीन चीजें एमिट होने लगी, अल्फा बीटा एंड गामा। ये आपको केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हो, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूं, उसका कोई डिटेल लॉजिक नहीं है, बट हाँ आपको पता है केमिस्ट्री में पढ़ चुके, अल्फा पार्टिकल एमिट होता है। अल्फा यानी क्या? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, 2He4, वो एमिट होता है, वो एक मैटर होता है, दिस इज इन द मैटर फॉर्म। ठीक, उसके बाद बीटा होता है, तो बीटा क्या है? जस्ट एन इलेक्ट्रॉन। हालांकि उसमें आप दो चीजें पढ़ोगे, बी प्लस और बी, बीटा प्लस एंड बीटा माइनस, दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। बीटा प्लस, सॉरी बीटा माइनस इलेक्ट्रॉन और बीटा प्लस पॉजिट्रॉन, ये भी मैटर होता है, पार्टिकल होते हैं, और ये है वो कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन नहीं है, ये है ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ये मैटर नहीं होता है, एनर्जी होती है इसमें, एनर्जी एमिट होती है, नो मैटर ओनली एनर्जी, यस और नो?
यानी जो एमिशन यहाँ पे हो रहा है रेडियो एक्टिविटी में, उसमें क्या एमिट होता है? अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा मतलब न्यूक्लियस ऑफ हीलियम जो एक मैटर है, बीटा मतलब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, बीटा माइनस और बीटा प्लस वो भी एक मैटर है, और लास्ट में जो गामा रेस या गैमा रेस आप बोलते हो, उसमें ईएम वेव निकलता है जो एनर्जी कंटेन करता है, ना ही कि किसी मैटर को वो बाहर निकाल रहा है। तो ये रेडियो एक्टिविटी की बच्चों इंफॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख के बताना। अभी मत लिखना, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, अभी यूट्यूब पे जाएगा। पर ये आपको बात समझ में आई क्या, एमिट क्या क्या होगा? ठीक, अच्छा, एमिशन होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? तो मैं आपको एक बात बताता हूं, वॉमिटिंग होती है हमें, तो वॉमिटिंग होने का रीजन क्या होता है कि हमारा जो ये एंजिन है, ह्यूमन बॉडी का एंजिन है, उस एंजिन में आप फ्यूल डालते हो और वो फ्यूल जितना प्रोसेस होना चाहिए उसके हिसाब से प्रोसेस नहीं होता है, तो यहां पे अनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है, उससे एमिशन होता है। सिमिलर टू दैट यहां पे भी कई जो एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं, जैसे कि प्लूटोनियम, थोरियम, मैडम क्यूरी, पियरी क्यूरी, ऐसे कुछ क्यूरी क्यूरी नाम सुना होगा ना, उनकी रिसर्च वो भी हम आगे पढ़ने वाले थोड़ा सा देखें, तो वो एलिमेंट अनस्टेबल होते हैं, तो वो स्टेबल बनने के लिए क्या करते हैं, एमिट करते हैं। क्या एमिट करते हैं? अल्फा, बीटा एंड गामा। और हमने ये भी पढ़ा है कि 30 से 170 वाले जो जिनका एटॉमिक मास नंबर 30 से 170 के बीच में है वो स्टेबल है। यूरेनियम का आपको पता है 238 है, तो वो स्टेबल नहीं है, इसलिए वो एमिशन करेगा। अगर वो एमिशन करेगा अल्फा बीटा, तो यानी उसका जो ए है एटॉमिक मास नंबर वो चेंज हो जाएगा, और वो 30 से 170 के बीच में नहीं आएगा, तब तक वो एमिशन कंटिन्यूअसली चालू रखे। बोलो कंसेप्ट याद आया? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, आगे हम चलते हैं। हो गया बच्चों? आके ना, डन। अब बात करते हैं कि भाई ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है रेडियो एक्टिव जो एमिशन करते हैं, और उन सभी पे भी रिसर्च होना स्टार्ट हो गई, और उस रिसर्च में एक कॉमन चीज देखने को मिली जो एक लॉ के हिसाब से एमिशन हो रहा है, एक लॉ के ही हिसाब से एमिशन हो रहा है, यानी डीके हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। तो वो लॉ क्या है वो समझेंगे आज, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। व्हाट इज लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके? तो बच्चों इसका मतलब ये है कि आप अगर कोई एलिमेंट जो अनस्टेबल है उसमें से पार्टिकल्स निकल रहे हैं, वो उसका डीके हो रहा है, पर वो नेचर में एक रूल के हिसाब से होता है। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल दूं कि अपने जो डायनासोरस हैं, डायनासोरस वो कितने सालों पहले मर गए, पर अभी भी उनकी हड्डियां मिलती हैं, मिलती हैं कि नहीं मिलती, उनके जो पार्ट्स हैं वो मिलते हैं, हमें देखने को मिले हैं बहुत जगह, आखे ना, हमने देखा हो कि नहीं देखा हो, पर टीवी में तो सुना ही है, हाँ सुना है, तो वो तो कई सालों पहले थे अभी, और अभी भी आपको, यानी समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये जो डीके होना है यानी मरना है,
जो एलिमेंट है वो मरता है, डीके होता है, मरता है, तो वो बहुत समय लेता है। तो कैसे, किस हिसाब से मरता है, वो एक लॉ के हिसाब से मरता है। चलो देखते हैं कैसे वो लॉ आता है, तो स्टार्ट करते हैं समझना। तो यहां पे मैं लिखता हूं पहले टाइम, और यहां पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लिखते हैं। तो भाई मान लीजिए कोई टी टाइम है, उस पर किसी ऑब्जेक्ट की बात करो या किसी एलिमेंट की, उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस इतने हैं, एन नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लियस, एन नॉट इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस। ओके, थोड़े समय के बाद यानी टी प्लस डेल्टा टी टाइम के बाद, तो टाइम डिफरेंस या इंटरवल कितना हुआ, डेल्टा टी हुआ। इस टाइम पे नंबर ऑफ न्यूक्लियस है एन। आपको बता दूं मैं, एन इज लेस देन एन नॉट, एन इज लेस देन एन नॉट, समझ में आया। तो ये अब यहां पे मैं आपको पूछूं एक बात, तो इन डेल्टा टी टाइम नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई क्या बच्चों, एन नॉट माइनस एन लिखा जाएगा, यस और नो? एन नॉट थे, एन बचे, टी टाइम पे एन नॉट थे, टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे एन बचे, तो कितना हुआ डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई, एन नॉट माइनस एन, ओके, इन डेल्टा टी टाइम। ओके, अब समझो मेरी बात, एक और एग्जांपल देता हूं आपको समझ में आए सर। मान लो मेरे पास बच्चों 1000 काइट्स हैं, पतंग, क्योंकि अभी वही फेस्टिवल हमारा आने वाला है, हाँ क्या ना, उससे पहले कोई आ रहा है 31 दिसंबर, 25th पे आ रहा है नाताल, क्रिसमस वगैरह, ठीक है। पर मेरा जो फेवरेट है, पर्सनल फेवरेट, वो है काइट फेस्टिवल, उत्तरायण हम बोलते हैं। मान लो बच्चों मेरे पास 1000 काइट्स हैं, ठीक है, तो ये मेरी इनिशियल नंबर ऑफ काइट्स हो गई एट टी टाइम, और आप मेरे घर आ रहे हो, मैं आपको काइट्स दे रहा हूं, ये किसके पास है भाई, रवि सर के पास है आपके, मैं आपको काइट्स दे रहा हूं। तो कुछ समय के बाद मेरे पास अगर मान लीजिए 600 काइट्स बचती हैं, तो डेल्टा टी टाइम में मैंने कितनी काइट्स आपको दे दी, एन नॉट माइनस एन, द आंसर इज 400। क्या बच्चों दिमाग में बात उतरी, यस और नो मैसेज करो सही से, हाँ के ना, यस बिल्कुल सही। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये समझ में आ गया ना, यस और नो? अब देखो मैं यहां पे इस तरह से कर रहा हूं, टी प्लस वन आर, यानी वन आर के टाइम पे अगर मेरे पास 900 काइट्स है मान लीजिए, तो मैंने एक आवर में कितनी काइट्स दे दी, 100 काइट्स। अब बच्चों ये मेरे को एक बात बताओ, एक बात बताओ, मान लो ये मेरा एक दूसरा है रवि सर के बाद, दूसरे कोई सर ले लीजिए या कवि सर ले लीजिए, रवि सर के भाई कवि सर, दूसरे एक सर है कवि सर, उनके पास इनिशियल 10,000 काइट्स है, और वो एक घंटे में काइट्स कितनी देंगे ये बताओ। मान लीजिए उन्होंने भी 100 काइट्स दी, तो 90 कितनी बजेगी, 9,900 आके ना, सही है ना, ना यार एक नौ ज्यादा आ गया, 9,900 काइट्स बची, ठीक, यह सो नो, समझ रहे हो कि नहीं। दो सर है आपके पास, एक रवि सर दूसरे कवि सर, रवि सर के पास 1000 काइट्स हैं,
कवि सर के पास 10,000 काइट्स है। एक घंटे के बाद उनके पास बचती हैं 900 काइट्स। रवि सर के पास भी, तो उन्होंने 100 ले ली या किसी ने दे दी, कुछ भी कर ले, 100 हटा दिए, तो इसके पास कवि सर के पास बचती है 9,900। अब बताओ अगर इनको कहा जाए, इनको कहा जाए कि आपको 10 घंटे में ये सारी काइट्स फिनिश करनी है, 10 घंटे में ये सारी काइट्स फिनिश करनी है, तो बताओ कौन से सर ज्यादा काइट्स देंगे, बताइए बताइए किनको ज्यादा काइट्स देनी चाहिए, फटाफट देनी चाहिए, आप बताइए। आर और के, मान लीजिए दोनों ही एक साथ सारी पतंग फिनिश कर देते हैं, तो किसने ज्यादा दी होगी? यस, सिंपल लॉजिक, के जो है कवि सर ने ही ज्यादा दी होगी। आपने सबने आंसर बिल्कुल सही दिया, बट व्हाट इज द बेस ऑफ योर आंसर? द बेस ऑफ योर आंसर इज दिस नंबर। फॉर रवि सर दिस नंबर इज स्मॉल, सो दैट यू कैन टेल और यू कैन आंसर दैट द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेट, पतंग देने का इनका जो रेट है वो कवि सर से कम होगा और कवि सर का रेट पतंग देने का जो रेट है वो ज्यादा होगा। यस सर, हाँ समझ में आया कि नहीं? तो नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई पर टाइम, यूनिट टाइम, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट एनी टाइम, हाँ के ना? यस और नो? पर यूनिट टाइम वो कितना काइट्स देंगे, कितनी पतंग देंगे, वो इनके पास कितनी बचती है उस पर डिपेंड करता है। मान लो ये टी प्लस 2 आर हो गया, ये मान लीजिए एक घंटे और बाद, यानी 2 घंटे बाद, यहां पे मान लीजिए 400 पतंग बची है और इनके पास बच रही है 9,000। अब खत्म करने के लिए ये देखेंगे, अरे यार मेरे पास तो 9,000 है, इसके पास 4,000, तो मुझे जल्दी 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 ज्यादा देनी पड़ेगी, बिकॉज उनके पास बहुत ज्यादा नंबर है, हाँ के ना? तो दिस इज द रूल ऑफ द नेचर, रूल ऑफ द नेचर, डेल्टा एन बाई डेल्टा टी इज प्रोपोर्शनल टू एन। क्या बच्चों समझ में आया, हाँ के ना? यस बिल्कुल, अच्छा अब ये प्रोपोर्शनलिटी हटा देते हैं हम, तो डेल्टा एन बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा एन आता है, तो लैम्बडा, अच्छा माइनस मैंने लिख दिया पर ये हटा देते हैं, अभी माइनस नहीं आएगा, प्लस रखते हैं, प्लस, लैम्बडा इज द डी के कॉन्स्टेंट। क्या बोला गया लैम्बडा को? डी के कॉन्स्टेंट। अच्छा वो किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की नेचर पर डिपेंड करता है भाई। क्यों? देखो आपने ऐसा बताया कि भाई रवि सर कम पतंग दे, इनको बहुत ज्यादा पतंग देनी चाहिए अपनी पतंगें खत्म करने के लिए, पर मान लो कवि सर जो है वो एकदम चिंगूस है, चिंगूस नाम तो सुना होगा, एकदम चिंगूस लालची, तो क्या वो इतनी पतंग जल्दी से खत्म कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका नेचर है लालची। तो यहाँ पे इनिशियल नंबर पे तो डिपेंड करेगा डिसइंटीग्रेशन कितना होगा वो, पर वो मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि मटेरियल तो ये कॉन्स्टेंट आता है जो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द एलिमेंट। क्या बच्चों समझ में आया एग्जाम्पल से? बिल्कुल क्लियर एग्जाम्पल, काइट के एग्जाम्पल से आपको मैंने रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन का ये इक्वेशन लाके बता दिया।
अब देखिए यहां पे, इफ डेल्टा टी इज वेरी वेरी स्मॉल देन रेट ऑफ डिस इंटीग्रेशन dn by dt, क्यों मैंने dn by dt लिखा बच्चों, डेल्टा बिकॉज d, ये आपको बताया अगर डेल्टा t इज वेरी स्मॉल तो लिमिट डेल्टा t टेंस टू जीरो लोगे तो आपको dn by dt मिल जाएगा, और यहां पे आप इक्वल्स टू करके लैम्डा n लिखोगे और आगे आएगा माइनस, आप कहोगे आगे माइनस क्यों, बिकॉज हियर रेट इज नेगेटिव, व्हाई, बिकॉज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिक्रीजेस, तो आप सोचो कि सर यहां पे आपने नहीं किया क्योंकि यहां पे मैंने चेंज लिया है और चेंज पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है, बात एक ही है, ये और ये अलग नहीं है, यहां पे हमने एन नॉट माइनस एन यानी डिफरेंस लिया है, डिफरेंस है और ये रेट है, रेट नेगेटिव है क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिक्रीज हो रहे हैं, क्या बच्चों समझ में आया, यस और नो मैसेज फास्ट, हा के ना, dn by dt is equals to minus lambda n, बिल्कुल क्लियर, अब बात करते हैं लैम्बडा की, अच्छा वहां पे भी लिखा है तो वहां पे लिखते हैं कोई बात नहीं, लैम्बडा की बात करनी पड़ेगी, लैम्बडा इज डीके कांस्टेंट, यानी जो डीके हो रहा है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एमिट हो रहे हैं वो किस रेट पे हो रहे हैं, तो कि dn by dt इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा n, बट लैम्बडा इज डीके कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ एलिमेंट, ठीक, चलो इसका यूनिट बताओ, कौन बोलेगा लैम्बडा का यूनिट, डायमेंशनल फॉर्मूला, लैम्बडा का यूनिट बनाओ इधर से या इधर से बनाओ, एक ही आएगा, चलो मैसेज करो लाइव क्लास वाले बच्चे, मैसेज करो कैसे आएगा यूनिट ऑफ लैम्बडा, सेकंड इनवर्स निकिता का आंसर सही है क्योंकि ये नंबर उसका यूनिट नहीं है, ये नंबर उसका यूनिट नहीं है, ये टाइम इसका यूनिट है सेकंड, तो लैम्बडा और यहां पे वन अपॉन सेकंड, तो यूनिट ऑफ लैम्बडा इज वन अपॉन सेकंड, और आप प्रैक्टिकली देखो तो डे इनवर्स और ईयर इनवर्स भी होता है, पर प्रैक्टिकली डे इनवर्स हम लोग ज्यादा यूज करें, वो जो आएगा वो देखा जाए, डायमेंशनल फॉर्मूला तो एल माइनस वन सॉरी टी माइनस वन टी 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 एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन, क्या बच्चों आ गया, अच्छा अब लैम्बडा के बारे में एक और बात आपको बतानी है, यहां पे अगर लैम्बडा की वैल्यू हाई है या लैम्बडा की वैल्यू लो है, दो केस हो सकते हैं, मीडियम भी हो सकती है, लो और हाई की बारे में चलो ठीक, हाई और लो है सही है कि लो का ओ आएगा, क्या सर क्या मजाक लगा रखे, लो का लो एलो एल एलो डब्ल्यू भी आएगा, हाँ चलो समझते हैं आगे मेरी बात, अब लैम्बडा हाई हुआ आके ना बच्चों, चलो बच्चों क्लियर दिख रहा है, रिकॉर्डिंग में थोड़ी सी टेक्निकल एरर थी इसीलिए हमने स्टॉप किया, अब आपको क्लियर दिख रहा है, ओके ओके ओके, अब बच्चों लैम्बडा का वैल्यू लो है, लैम्बडा लो है और हाई है, दोनों हो सकता है हाई या लो है जो भी है, अब देखो उसके फर्क क्या पड़ेगा, देखो अगर लैम्बडा ज्यादा है तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन रेट ऑफ डीके वो बढ़ जाएगा, माइनस क्योंकि डीके हो रहा है इसलिए रेट नेगेटिव आएगा, डीके हो रहा है घट रहा है इसलिए माइनस है, बट अगर लैम्बडा की वैल्यू ज्यादा हुई तो ये रेट बढ़ जाएगा, तो ऐसे एलिमेंट बोले गए शॉर्ट लिव्ड,
कम जिएंगे, जल्दी मर जाएंगे, जल्दी पतंग खत्म हो जाएंगी। अगर जो देने वाला टीचर है, आपके सर है, वो अगर दिलदार है तो जल्दी से उनकी सारी पतंग खत्म हो जाएंगी। बट अगर ये लो है तो ये रेट भी डिसइंटीग्रेशन का लो होगा, और ये ऐसे एलिमेंट बोले जाते हैं बच्चों लॉन्ग लिव। दिस टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड लॉन्ग लिव। तो ये हो गया शॉर्ट लिव्ड और लॉन्ग लिव्ड का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन। क्या समझ में आ गया? यस। तो डेफिनेटली आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए। डन। ओके, तो स्क्रीनशॉट हो गया, तो ये बातें भी समझ में आ गई। हाँ बिल्कुल। अब हम क्या करते हैं, फिर लॉ निकालते हैं। लॉ में हमें निकालना क्या है सर, लॉ में फाइंड क्या करें? ये तो आपने रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन बता दिया, लॉ का मतलब क्या है, क्या फाइंड करना है? लॉ का मतलब ये है कि एक जो एलिमेंट है उसके इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए मेरे पास 1000 पतंग है और टाइम मैं ले रहा हूं 1 आर। ये आर सर और ये के सर, इनके पास 10,000 टाइट्स है, मेरे पास 1000 है, उनके पास 10,000। 1 घंटे बाद आपको यहां पे क्या चाहिए जिससे आपको पता चले कि इनका देने का रेट क्या है? तो मैंने मान लीजिए यहाँ पे 500 लिखा, तो आप कहोगे 1 घंटे में 500 देते हैं, तो इनका रेट 500 काइट्स पर आवर है। तो जब ये आपको फाइनल नंबर एन पता चल जाएगा, ये तो एन नॉट है, पर जब आप ये एन पता कर लोगे तब आप बता सकते हो कि रेट क्या है। दूसरे सर के पास भी मान लो 1000 है और इनका फाइनल एन है 250, तो ये 750 पर आर हो गया ना, इनका रेट हाई है। पर ये आपने कब बताया, इनका इंटीग्रेशन का कौन सा लॉजिक है वो आपको कब पता चला? जब आपको फाइनल नंबर पता चलता है। तो लॉ में आपको क्या फाइंड करना रहेगा बच्चों? फाइनल नंबर। तो स्टार्ट करते हैं हम समझना यहां पे, भाई रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन dn बाई डी इज इक्वल टू माइनस लेमडा एन। अब बताओ अगर मैं ऐसा करूं, n n की साइड ले आओ और t को इधर ले ले, तो हमें बन जाएगा ये dn बाई एन माइनस लेमडा dt। ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि कोई एलिमेंट पहले उसके न्यूक्लियस 100 थे और अचानक से 10 हो जाए, ऐसा नहीं है। एक एक धीरे 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 जाएगा, अल्फा निकला, बीटा निकला, गामा निकला, ऐसे निकलते धीरे 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 डीके होता जाएगा। तो डीके एक धीरे धीरे होती हुई प्रोसेस है, कम कम वैल्यू से डीके होने की प्रोसेस होती है, इसीलिए हमें इंटीग्रेशन की ओर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर डीएन है और एन वाले इधर लेके आएंगे और डीटी उधर लेके जाएंगे, तो इंटीग्रेटिंग दिस। अब कौन सा टाइम ले, तो टी बराबर 0 पे एन नॉट थे और टी पे एन हो गए, इस रेंज पे इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन डीएन और यहां पे 1/n लिख देते हैं, एन 0 to n, और यहां पे इंटीग्रेशन माइनस लेमड़ा तो कांस्टेंट है ना भाई, बाहर आ जाएगा, सिर्फ बचेगा dt 0 से t। क्या बच्चों समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, क्या आपको उतर रहा है दिमाग में? यस बिल्कुल। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/n बताइए, 1/n का इंटीग्रेशन क्या है? यस आर बी राइट आंसर, ln n। क्यों ln n? लॉग बेस ई, लॉग बेस ई ln n, 1/x का ln x। एन नॉट टू एन इज द लिमिट माइनस लैम्बडा, कुछ भी नहीं है तो
तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे वही लिखना है, जीरो टू टी, बस खत्म। अब क्या करना है, अपर लिमिट रखो ln n माइनस लोअर ln n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। क्या बच्चों समझ में आ रही है मेरी बात? यस क्लियर? यस यस ओके। तो बात हमारी बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी। अब आपको क्या करना है, आपको n सब्जेक्ट लाना है। n को सब्जेक्ट लाने के लिए यहाँ पे तो log वगैरह आ रहा है सर, कैसे लाएंगे? तो तरीका बताएंगे कैसे। तो भाई log का a ln a ln b क्या लिखते हो, ln ab, फिर ln a माइनस ln b क्या लिखते हो, ln a by b। ये दो रूल्स आपको पता ही होंगे, लॉग के दो रूल्स हैं बच्चों, ये पता ही होंगे। तो वो लगाएंगे इधर ln n माइनस ln n जीरो, तो क्या लिखेंगे हम लोग, ln n अपॉन n जीरो इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। पर हमें तो ये n निकालना है, तभी तो पता चलेगा भाई किस लॉग के हिसाब से डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, डीके हो रहा है। समझ में आया ना, अभी हमने वो काइट वाला एग्जांपल देखा, तो इतनी काइट थी ठीक है, तो इतने समय के बाद इतनी बची, तो आप बता दोगे कि इस हिसाब से डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। तो n इज द नंबर ऑफ रिमेनिंग न्यूक्लियाई, तो वो निकालना है। तो ये तो ln में फंसा हुआ है, ln में फंसा है, तो दोनों साइड आपको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेना है। ln को हटाने की ताकत एक्सपोनेंशियल में है, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ln हट जाएंगे, बचेगा n n upon n not, सामने वाला एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा, यानी की पावर माइनस लैम्डा टी। यस और नो, दिस इज द लॉजिक। यहाँ पे हमें मिला n is equals to n not e raised to minus lambda t, and this equation is called law of radioactive decay, radioactive decay। समझ में आया कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, yes or no, बिल्कुल क्लियर। हाँ मैंने यहाँ पर थोड़ी जगह रखी, तो मैं एन ऑफ टी भी लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम टी, एन इज इक्वल टू एन नॉट ई रेस टू माइनस लैम्डा टी, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन और रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। क्या समझ में आया बच्चों? या नहीं आया, मैसेज करो। मैसेज नहीं आया, समझ में नहीं आया, क्या आया? आ गया ना, यस यस आ गया। ये कैसे आया ये समझ लेना है, आराम से, कोई जल्दबाजी मत करना, वीडियो मिलेगा आपको, आराम से समझिए। चलो आगे बात करें। यस यानी अब आपको एक इस नेचर का एक गुड रहस्य पता चल चुका है कि भाई हमें क्यों ये इलेवेंथ से एक्सपोनेंशियल फंक्शन करा जा रहा है, क्योंकि बच्चों नेचर में एक्सपोनेंशियल लॉ के हिसाब से ही डीके हो रहा है। इसीलिए तो कितने सालों पहले जो डायनासोर्स थे वो आज भी उनके पार्ट्स मिल रहे हैं, और सन भी लगभग 500 करोड़ सालों पहले से बना हुआ है और डीके कर रहा है, इसीलिए तो हमारे पास लाइट आ रही है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सन में से, वो डीके हो रहा है, और डीके होते होते वो मरेगा तो सही, पर कब मरेगा, बहुत समय के बाद। चलो देखते हैं क्या, क्यों ऐसे मैं बोलता हूं बहुत समय के बाद, बहुत समय के बाद,
तो यहां पे हम डीके कर्व बनाते हैं, यानी एन वर्सेस टी का ग्राफ। अब ये ग्राफ कैसे बनने वाला है ये तो आपको पता ही है, क्या करेंगे हम लोग पता है ना बच्चों कैसे बनेगा। चलो बच्चों क्लियर ना, तो डीके कर्व कैसे बनेगा वो देखो बनाते हैं, आए तो समझ में आएगा। यहां पे मैं एन ऑफ टी लिखता हूं, यहां पे हम टी लिखते हैं, थोड़ा लंबा लिखते हैं तो समझ में आएगा बढ़िया से। ये जीरो कोई इनिशियल टाइम, तो इनिशियल टाइम रखोगे तो टी जीरो रखोगे तो ई रेस टू जीरो वन हो जाएगा, तो एन ऑफ टी बराबर एन जीरो। मान लो कोई वैल्यू होगी बहुत बड़ी या छोटी कुछ भी हो सकती है, तो इनिशियल में कितनी पतंग थी भाई 1000, तो एन जीरो इनिशियली कितना था 1000। अब यहां पे आप देखोगे तो एन इज इक्वल टू एन नॉट, इसको मैं नीचे लिख दू तो ई रेस टू लेमड़ा टी हो गया। अब लेमड़ा भी कॉन्स्टेंट, ई भी कॉन्स्टेंट, अब ई की वैल्यू कितनी है तो के 2.718, ई की वैल्यू कितनी है 2.718, और 2.718 की पावर टाइम के साथ बढ़ेगी तो ये टर्म बढ़ेगी, ये टर्म बढ़ेगी तो ये घटेगी, हाँ क्या ना, यानी डिक्रीज होगा। बट डिक्रीज होगा तो किस हिसाब से होगा, लीनियर भी डिक्रीज होगा तो क्या बिल्कुल नहीं, तो ये डिक्रीज होके कब जीरो होगा तो जब टी इनफाइनाइट होगा। तो ये जो कर्व बनता है बच्चों वो इस हिसाब से बनता है और यहां पे टच नहीं करना है, और इसको हम क्या बोल रहे हैं डीके कर्व, क्या बोल रहे हैं बच्चों डीके कर्व, बोलो क्लियर, हाँ के ना, यस और नो, यस। स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट, चलो डन।